नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल। में हूं आपके साथ महेजन। चुनावी माहौल में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी सहित के राजनीतिक दल चुनावी मैदान में। मोदी जी ऐसे में 400 पार का दावा कर रहे। इधर भाजपा के जो नेता है, कार्यकर्ता है, घर घर दस्तक देकर मोदी की योजनाओं को लेकर बखान कर रहे हैं। हर घर तक उनकी योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो नीमच विधानसभा के सरजना गांव में मोदी ने, जहां पर भाजपा जिलाध्यक्ष के साथ ही हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए उमराव सिंह की गुजर के साथ में कई भाजपा नेता यहाँ पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत करी है। हर योजना जो है मोदी की, उसको लेकर हर घर तक दस्तक दी जा रही है। पवन जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में तीनों सीटों पर आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विजय का परचम लहराया, क्या लगता है लोकसभा की तस्वीरें क्या चेंज होंगी और आगामी नतीजे क्या होंगे? लोकसभा की तस्वीर बड़ी साफ है, लोग मन बना चुके हैं। हम लोग घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, घरों तक हम जा रहे हैं, और जब जाते हैं तो हम सामने जब देखते हैं कोई किसान है तो उसके चेहरे पर मुस्कान है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देख कर, और एक प्रसन्नता की मुद्रा में आ जाता है कि ये वो पार्टी है जिसने कृषि को लाभ का धंधा बनाया है। हम मातृशक्ति से, माताओं बहनों से जब आशीर्वाद लेते हैं तो वो भी आशीर्वाद देती है। उन्हें लगता है कि अगर किसी पार्टी ने एक बेटी को लाडली बहन का, लाडली लक्ष्मी का अगर दर्जा दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मतलब एक सम्मान की बात है, सवाल कोई 1000-1200 का नहीं, पर अगर सम्मान किसी ने दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो हर वर्ग, चाहे वो गरीब वर्ग हो, हम जाते हैं, और अगर प्रधानमंत्री आवास उसका बना हुआ है तो हम नहीं कहते, वो खुद कहता है। हम जब कहते हैं भाजपा को वोट देना, मोदी जी को वोट देना, तो कहता है कि ये तो आवास जो है, ये आवास हमारे मात्र छत नहीं है, एक स्वाभिमान है जो मोदी जी ने हमको दिया है। तो इस प्रकार का वातावरण पूरे क्षेत्र में है। लोग चाहते हैं कि पुनः नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः केंद्र में आए। एक तरफ मोदी जी, एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा है, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में सांसद जो लगातार सांसद रह चुके, दोबारा उनको मौका दिया, और कांग्रेस की अगर बात करें तो बाहरी उम्मीदवार को मजबूत बताकर कांग्रेस बता रही कि हमारा मजबूत दावेदार है और दिलीप गुर्जर को लाएगा, भाजपा किस नजरिए से देखती है और क्या लगता है इसको लेकर? देखिए, कांग्रेस के उम्मीदवार की हम बात करें तो कांग्रेस ने जबरदस्ती दूल्हा बनाया उसको, और मैं कहना चाहता हूँ कि लोग कांग्रेस के साथ नहीं है, क्योंकि ये राम का देश है। यहाँ राम लला का और राम मंदिर का विरोध करने वाले लोगों के साथ कोई नहीं है। राम को काल्पनिक बताने वाले और राम सेतु जो नल नील ने राम लिखकर पत्थर डाले थे और वो पत्थर तेरे थे और राम सेतु बना था, और वहीं से श्री राम की सेना ने लंका पर चढ़ाई करी थी, सीता मैया को भी छुड़वाया था और रावण का वध किया था। तो उस पूरी चीज को जो कांग्रेसी एक कथा बताते हैं, एक पिक्चर बताते हैं कि तो एक काल्पनिक था, तो उनके साथ अब समाज जनता नहीं है। कांग्रेस का सही चेहरा जनता के बीच में आ चुका है। नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो सांसद सुधीर गुप्ता को लगातार कांग्रेस हमला बोलती और कहती आती है कि सांसद ने नीमच के साथ दोगला व्यवहार करा। ऐसे में आप लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जो सोच बन चुकी है, या इसको किस तरीके से बुनाएंगे चुनावी माहौल में? ये जनता के बीच की सोच नहीं है, ये कांग्रेस के बीच की सोच है, और कांग्रेस के द्वारा कुछ जो मैनेज लोग हैं उनकी सोच है। जनता जानती है कि आज अगर नीमच से चित्तौड़गढ़, नीमच से बड़ी सादरी, नीमच से रतलाम रेल लाइन दोहरीकरण हुआ है, तो कहीं इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, और नीमच रेलवे स्टेशन अगर अमृत रेलवे स्टेशन बना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी बढ़ा दी गई है कि कहीं लोग जब यात्री उतरते थे तो नीचे उतरकर, और कितना एक ट्रेन के डिब्बे से उतरना और नीचे उतरना, तो इतनी परेशानी होती थी। आज प्लेटफॉर्म लंबा हो चुका है, किसी को नीचे नहीं, सीधे प्लेटफॉर्म पर पाँव रखकर और यात्री उतरते हैं। तो रेल की बात करें तो उधर भी सांसद जी ने एक बड़ी सौगात इस क्षेत्र को दी है, कहीं उनके प्रयासों ने दी है। आज हम मेडिकल कॉलेज की बात करें, एक बड़ा भव्य मेडिकल कॉलेज 200-250 करोड़ की एक बड़ी सौगात ये भी क्षेत्र को मिली है। हम बात करें कि हर खेत तक पानी पहुंचने वाला है गांधी सागर से, तो ये सौगात भी कहीं कहीं केंद्र की सरकार के कारण और लोकल इंजन की सरकार के कारण क्षेत्र को मिली है। तो ऐसी अनेकों, आज खिमला प्लांट जो इतना बड़ा इलेक्ट्रिक प्लांट, हाइड्रो प्लांट अगर हमारे क्षेत्र में आए, जो 10,000 करोड़ से ऊपर की सौगात है। आज हम अगर बात करें बायोटेक्नोलॉजी प्लांट की बात करें, जो 100 करोड़ से ऊपर का एक प्रोजेक्ट सर्वानिया महाराज नीमच जिले में आया है, तो इन सब में केंद्र की बड़ी भूमिका रहती है, और डबल इंजन की सरकार होने के कारण से सुधीर जी की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम जितनी बात करें, हम चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, चाहे हम CRPF के अंदर जो नए कॉटेज बने हैं, नए बैरक बने हैं,
तो सीआरपीएफ के अंदर सैकड़ों करोड़ रुपया जो लाकर और काम करने का काम किया है वो सुधीर गुप्ता जी के अपने व्यक्तिगत प्रयास है कि उनने अपने भूमिका जो एक सांसद की होनी चाहिए उसका निर्वहन करते हुए, तो ऐसे एक नहीं अनेक काम इस क्षेत्र में हुए हैं। सैनिक स्कूल आया है और नीमच के काम मैंने अभी आपको नीमच के सारे गिनाए हैं, तो नीमच में खूब काम हुए हैं। आज ये मनासा रोड बनी है, तो मनासा रोड एक और आज बघाना का बाईपास स्वीकृत हो चुका है। आज अगर हम बात करें तो सिंगोली से होते हुए कोटा रेल लाइन का आखिरी सर्वे स्वीकृत हो चुका है, तो हम लगातार विकास की ओर बढ़ रहे हैं। सुधीर गुप्ता जी ने काम किए हैं और केंद्र की भाजपा की सरकार ने नीमच जिले के लिए खूब काम किए। तो लोग पवन जी एक सवाल करना चाहूंगा, चुनाव के टिकट आवंटन से पहले ही उमराव सिंह जी गुर्जर का कांग्रेस से भाजपा में आना, क्या आपको पहले पता था दिलीप गुर्जर को कांग्रेस टिकट देने वाली है? मतलब आपने दया दाम खेल लिया था क्योंकि आपके विपक्ष के एक उम्मीदवार थे चुनावी में, तो आपने विपक्ष नहीं बचाया, ऐसे मानते हैं कि जितने भी वोट इनको आए वो वोट तो आपके साथ आ रहे, ऐसे क्या लगता है? ये पहले ही पता था प्लानिंग की भाजपा की क्या कहेंगे इसको? देखिए प्लानिंग तो कुछ भी नहीं थी, पर ये राम का काज है और जिसका मन राम के काज में लग जाता है, और निश्चित रूप से आज हम जब देखते हैं कि राम मंदिर का न्योता कांग्रेसियों के पास जाता है, वो कोई भाजपा का कार्ड नहीं था या कमल का फूल उस कार्ड पे नहीं छपा था, वो मंदिर समिति के द्वारा भेजा हुआ कार्ड था। और उस न्योते को जब कांग्रेस ठुकराती है, और जैसा मैंने अभी आपको बोला राम को काल्पनिक बताती है, और जिस समस्या का जन्म कांग्रेस ने दिया था 370, उस समस्या का समाधान अगर किसी ने किया, क्योंकि कश्मीर हमारा होकर भी हमारा नहीं था, जो स्वर्ग हम कहते हैं कि भारत देश में अगर कोई स्वर्ग है तो वो कश्मीर है, और उस समस्या का समाधान अगर करने का काम किसी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो जब ऐसी सारी बातों को जो हमारे कांग्रेस के हमारे जो ऐसे लोग हैं, क्योंकि अच्छे लोग हर जगह है, पार्टी गलत हो सकती है, पार्टी की नीतियाँ गलत हो सकती है, पर निश्चित रूप से अच्छे लोग सब जगह हैं। तो जब सम्मानी उमराव सिंह जी को लगा कि यहाँ तो जैसे ही कार्यालय में जाओ तो ये एक ही योजना बनाते हैं कि राम मंदिर का विरोध कैसे करना है, इसकी योजना बनाओ, रोड पर उतरना है, राम सेतु को कैसे काल्पनिक बताना है। मोदी जी जब पानी के अंदर पाताल में जाकर और मोरपंख लगाते हैं और एक नया संदेश दुनिया को देते हैं कि ये सनातनियों का देश है और सनातन की पताका पाताल से लेकर और आकाश तक अब इस देश के अंदर है और दुनिया का नेतृत्व तो भारत करेगा, तो इन बातों का विरोध करने की जब योजना कांग्रेस करती है तो निश्चित रूप से उमराव सिंह जी जैसे नेता जो इन सारी बातों को वहां बैठकर और बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जब मेरी बात शुरू में उमराव सिंह जी से हुई तब भी उनने कहा कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आगे अब मैं क्या बनूँ क्या करूँ राजनीति में, पर महत्वपूर्ण ये है कि वहाँ मेरा दम घुटता है जब लगातार ऐसी योजना और इन बातों पर विरोध की योजना कांग्रेस बनाती है। आंकड़ा क्या लगता है पिछली बार लोकसभा की तुलना में इस बार आपके साथ में उमराव सिंह जी गुजर भी हैं, विकास के दावे भी हैं, मोदी जी के कार्यकाल भी हैं, क्या लगता है आंकड़ा बढ़ेगा या घटेगा? आंकड़ा गुणात्मक बढ़ेगा, सिर्फ प्लस नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अब जो कांग्रेसी भी हैं जो आज भी कांग्रेस में हैं उनसे भी हमारी लगातार बातचीत होती है, क्योंकि है अपने ही लोग हैं, अपने ही बीच के लोग हैं, अपनी जाति बिरादरी समुदाय के लोग हैं, जब हम बात करते हैं तो वो भी कहते हैं कि इस बार हम सनातन के साथ हैं, इस बार हम बढ़ते हुए शक्तिशाली दिव्य भव्य भारत के साथ हैं, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जब हमसे पूछेगी कि पिताजी या दादाजी जब भारत बदल रहा था, भव्य राम मंदिर बन रहा था, तब आप क्या कर रहे थे, तो हम कैसे अपनी आने वाली पीढ़ियों को कहेंगे कि हम तो राम मंदिर के विरोध करने वाले लोगों के साथ खड़े थे जब भारत बदल रहा था और हर गरीब को मकान मिल रहा था, और पिताजी या दादाजी जब इस भूमिका में जो भी हमारे कांग्रेस का मित्र वो होगा और उसकी आने वाली पीढ़ियाँ पूछेगी, तो हम कैसे हमारे बच्चों को कहेंगे कि जब हिंदू राष्ट्र की कल्पना के साथ में भारत और भारत की सरकार बढ़ रही थी और उस समय हम उस सरकार के विरोध में थे, हम हिंदू राष्ट्र के विरोध में खड़े थे, हम राम मंदिर के विरोध में खड़े थे, हम मथुरा काशी के विरोध में खड़े थे, हम 370 धारा हट रही थी लेकिन हम उन हटाने वाले के विरोध में खड़े थे, तो हम कैसे आने वाली पीढ़ियों को जवाब दे पाएंगे? इसलिए वो हमारे सब कांग्रेसी भाई कांग्रेसी मित्र जो सनातनी मन से है पर मजबूरी में कांग्रेस में है, वो हमारे साथ खड़े हैं, इसलिए 3 गुना 4 गुना की बढ़त के साथ हम इस लोकसभा को जीत कर जाएंगे। इस बात इस वक्त हमारे साथ उमराव सिंह जी गुजर है जो हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में आए। उमराव जी इस प्रकार का माहौल है, लगातार कांग्रेस में काफी लोकसभा उम्मीदवार भी रहे हैं, अब विधानसभा उम्मीदवार भी रहे और कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता माने जाते थे, ऐसे में अचानक भाजपा में आना चुनावी माहौल जा रहे हैं, क्या लग रहा है, टक्कर का माहौल है या हकीकत क्या है? देखो यहाँ पर इस संसदीय क्षेत्र में कोई टक्कर नहीं है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक टक्कर जीत रही है और
आने वाले समय में सब लोग चाहते हैं कि मोदी की सरकार बने और क्षेत्र का विकास। जिस सरकार को आप कोसते थे कांग्रेस में होने के बाद लगातार आरोप लगाए, विचारधारा को अपना लिया, ऐसा क्या हो गया जिस वजह से आपने अचानक से कांग्रेस को त्याग करके भाजपा की विचारधारा अपना ली, मुख्य कारण क्या है? देखो, सच को सच कहना पड़ेगा और गलत को गलत कहना पड़ेगा। कोसने का सवाल ही नहीं उठता। जो विकास का काम हुए हैं उनके कार्यकाल में और आगे जो योजनाएं हैं वो किसानों के हित में, गाँव के हित में, जन के हित, जनता के हित में। जिस तरह से देश पर कलंक धारा 370 हटाई, जिस तरह से राम जी का मंदिर वहाँ पे बनाया, सब लोग हनुमान बन के यहाँ पर काम करते हैं और आगे भी, हम पहले भी सेवा करते थे, आगे भी सेवा करते रहेंगे। गांव, किसान, मजदूर सब हर वर्ग की सेवा करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में विकास की राह, किसान की राह आगे बढ़े और वो किसान आगे बढ़ता रहे। निश्चित रूप से इस विकास माननीय यहाँ पर जो सुधीर गुप्ता जी सांसद है, यहाँ के कुछ लोग भी हमारे साथ में, कौन से गांव के रहने वाले हैं? सरजना। सरजना का माहौल कैसे रहे होते, मोदी जी या राहुल गांधी? पवन जी जबरदस्ती लायक, आप खुद आया? नहीं, खुद आया। कहाँ आया मोदी जी गंडे, राहुल गांधी गंडे, इनका मोदी जी गंडे कहाँ आया? मोदी गंडे कहाँ आया? कारण मोदी जी काम करवा रहे हैं, कई काम कराए मोदी। एक ही बात है, 400 पार। 400 पार आखिर कहाँ? आपने कहीं योजना का लाभ मिले नहीं? मिलियो कहीं कहीं तो पट्टा मिल गया। क्या नाम है आपका? दशरथ खारो। कहाँ के रहने वाले? यही सरजना। पार्टी के कार्यकर्ता? आम नागरिक हो? आम नागरिक हूँ। आम नागरिक हो, क्या लग रहा है सरजना का माहौल क्या रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है सर, बहुत बढ़िया माहौल है। युवा से बात करें, कहाँ के रहने वाले हो? सरजना, युवा क्या कहता है, मोदी राहुल गांधी? मोदी राहुल गांधी क्यों नहीं पसंद है? अरे यार, राहुल गांधी यात्रा कर रहा है, राहुल क्यों नहीं पसंद है? राम जी पसंद है या कुछ और पसंद है? राम जी पसंद है, पर राहुल गांधी बोल रहे बोले नेता ठकरा रहे राम जी का। राहुल गांधी मोदी जी पक्का? क्या लग रहा, गांव का माहौल क्या कह रहा मोदी जी? मोदी जी कह रहे हैं टक्कर है कि नहीं? अदवाल टक्कर नहीं है? दिलीप गुजर को जानते नहीं जानते हो आप? जानते हो? आए आपके गांव में? कभी नहीं आए? नाम सुना है। जैसा कि बताना चाहूंगा, चुनावी माहौल में सरजना गांव यहाँ की तस्वीरें, यहाँ पर भाजपा जिलाध्यक्ष लगाकर उमराव सिंह गुजर जो भाजपा में शामिल हुए, वो नेता लगातार जा रहे घर घर दस्तक देकर, भाजपा की मोदी सरकार की नीतियों को हर घर तक पहुंचाया जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस में बाहरी उम्मीदवार दिलीप गुजर को चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया। ऐसे में देखना होगा, 13 मई को मतदान है और लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम में कौन सी पार्टी का सांसद बनता है, इस बार लोकसभा सीटों में 400 पार का दावा किस हद तक सफल हो पाता है।